हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट डिस्कस द टॉपिक रिसर्च रिपोर्ट एंड हे द फ्यू टेबल कंटेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सो वी स्टार्ट रिसर्च रिपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड डेटा प्रिपेड बाय रिसर्चर्स स्टैटिस्टिशियंस आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाई कंडक्टिंग ऑर्गनाइज रिसर्च टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ सर्विस आर क्वालिटेटिव मैथड्स तो जो भी रिसर्च जो भी रिसर्चर्स डेटा कलेक्ट करते हैं या yeah, जो भी इंफॉर्मेशन के पास होती है उन्हें एनालाइज करके या रिसर्च कंडक्ट करके सर्वे करके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके और जो भी उस डेटा को वो एक इंफॉर्मेशन में प्रिपेयर करते हैं उसे हम रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं सो रिपोर्ट आर यूजली स्प्रेड अक्रॉस अ वास्ट ऑरिजन ऑफ टॉपिक्स लेकिन वो फोकस्ड होती है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड ए नीच टारगेट मार्केट तो जो प्राइमरी मोटिव होता है रिसर्च रिपोर्ट का वो ये होता है कि वो कन्वे करे इंटीगर डिटेल्स अबाउट ए स्टडी फॉर मार्केटर्स ताकि वो कंसिडर कर सके जब उन्हें उन उस टाइम जब उन्हें न्यू स्ट्रेटजीज बनानी है सो so, रिपोर्ट राइटिंग के कुछ स्टे, स्टेज होते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे प्लान करना प्लान को प्रिपेयर करना इन एडवांस में स्ट्रक्चर रिपोर्ट का प्रिपेयर करना एक आउटलाइन प्रिपेयर करना एक वर्क वर्क प्रिपेयर करना फिर कंडक्ट करना है क्लियरफ रीडिंग ऑफ रिपोर्ट रफ रिपोर्ट एंड रीराइट करना रिपोर्ट फाइनल बिबलोग्राफी प्रिपेयर करना एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट सो कंपोनेंट्स की बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट समवी तो जो एंटायर ऑब्जेक्टिव होता है अलॉन्ग विद ओवर व्यू रिसर्च का उससे हम एक सम में इंक्लूड करते हैं जो कुछ कपल्स और पैराग्राफ में होता है जितने भी मल्टीपल कंपोनेंट्स है रिसर्च के उसे एक्सप्लेन किया जाता है इन ब्रीफ मतलब इन शॉर्ट में अंडर द रिपोर्ट समवी इट शुड बी इंटरेस्टिंग इनफ ताकि वो सारे की एलिमेंट्स के रिपोर्ट को उसको कैप्चर करे और वो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें ताकि हमें पता चले कि रिसर्च किसके बारे में और वो कितनी इंटरेस्टिंग है द अदर इज रिसर्च इंट्रोडक्शन तो ये हमेशा एक प्राइमरी गोल होता है रिसर्चर का कि क्या उससे रिपोर्ट में अचीव करना है वो इस इंट्रोडक्शन में उससे बताना होता In section, है इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन वो कवर करते हैं आंसर जो भी उनका गोल होता उसके है उसके रिलेटेड या एक थीसिस एस्टेब्लिश करते हैं विच विल बी इंक्लूडेड टू स्ट्राइव एंड आंसर इट इन डिटेल ये सेक्शन शुड आंसर इट इंटीग्रल क्वेश्चन की वट इज द करेंट सिचुएशन ऑफ द गोल द अदर इज रिसर्च मेथोलॉजी दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक करती है द रीडर कैन गेन डेटा फॉर द टॉपिक अलॉन्ग विद एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कंटेंट एंड द रिसर्चर कैन ऑल्सो भी अप्रूव बाई अदर मार्केट रिसर्चर्स द अदर इज रिसर्च रिजल्ट एक शॉर्ट डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन कंडक्टेड जो हमें गोल अचीव करने में हेल्पफुल हुई है विल फॉर्म दिस सेक्शन ऑफ रिजल्ट यूजली दिस एक्सपोज एक्सपोजिशन आफ्टर डेटा एनालिसिस इज कैरिड आउट इन डिस्कशन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट द अदर इज रिसर्च डिस्कशन तो जो रिजल्ट डिस्कस्ड हुए हैं इन एक्सट्रीम डिटेल जो भी रिजल्ट है उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं इन एक्सट्रीम डिटेल या अलॉन्ग विध जो उनका कंपेरेटिव एनालिस है रिपोर्ट्स का वो भी इसी डोमेन में एग्जिस्ट करता है कोई भी एबनॉर्मलिटी जो कवर्ड होती है ड्यूरिंग रिसर्च वो भी डिस्कशन सेक्शन में ही ली जाती है द अदर इज रिसर्च रिफरेंसिज एंड कंक्लूजन तो सारी रिसर्च फाइंडिंग्स को कंक्लूड किया जाता है जो जो हमने जहाँ जहाँ से हेल्प ली उनको मैंशन किया जाता है वो आर्टिकल या किसी से भी हमने रेफरेंस लिया उनको भी ही सब सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है टिप्स की बात करें कि, कि किस तरह लिखनी है तो प्रिपेयर करना चाहिए कॉन्टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग टू राइट एंड बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए ये वेल well प्रिपेयर रहना चाहिए क्या हमें लिखना है कैसे लिखना है सब कुछ हमारे हम प्लान करके बैठने चाहिए तो जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको माइंड में रखना चाहिए जब भी हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्लियर लॉजिकल एंड ऑब्वियस होना चाहिए ये जो बिल्कुल ही जर्नल हो और बहुत ही केयर और डिलीजेंस से बनाओ हैव ए क्लियर रिसर्च ऑब्जेक्टिव तो रिसर्चर का जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि जो वो एंटायर प्रपोजल दोबारा पढ़े तो उसे पता चले कि जितना डेटा उसने लिया है वो उसके ऑब्जेक्टिव का कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जो उसने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था एस्टैब्लिश ए वर्किंग मॉडल तो हर स्टडी एक इंटरनल लॉजिक कंटेन करनी चाहिए जिसमें वो एस्टैब्लिश जो भी रिपोर्ट में एस्टैब्लिश हो उसके पूरे एविडेंस होने चाहिए रिसर्चर्स के लिए सबसे गलत यही है कि वो रियलाइज़ करें कि जब वो रिसर्च लिखे और उन्हें पता लगे कि उन्होंने अपना की क्वेश्चन तो इंक्लूड किया ही नहीं है दर इज़ गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च टॉपिक तो जितना भी जो भी टॉपिक है उसके हमें जितनी इन्फॉमेसन हो सके वो कट्ठी करना कौन कंपिटिटर्स हैं उस कस्टमर के उनसे बात करना रिसर्च इंडस्ट्री उसकी लैंग्वेज सब कुछ गैदर करना एंड मिस यूज दिस यूज ऑफ द टर्म्स कैन डिसक्रेज द रीडर ऑफ़ द रिसर्च फोर्ट फॉर रीडिंग दैम कोई भी अगर हमने गलत किया तो जो भी पढ़ रहा है उसका फ्लो टूट सकता है रीड अलाउड राइटिंग तो जब भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं है, तो आप उसे पढ़ें फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्टम्बल कर रहे हैं तो आपको उसको बार बार पढ़े कि कहीं कुछ इनअप्रोप्रेट तो नहीं है चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग तो विदाउट ए डाउट गुड प्रैक्टिस यही है कि आप रिपोर्ट को समझें और जितने भी वर्ब्स है प्रेजेंटेंस में यूज़ करें कंसिडर करें प्रेजेंटेंस को ताकि वो बहुत इमीजिएट साउंड करता है डिस्कस ऑनली द डिस्क्रीज डेट आर सिग्निफिकेंट सिर्फ उतने ही डेटा को जोड़े उतने ही डेटा को इंक्लूड करें जो सिग्निफिकेंट हो और जो सिग्निफिकेंट नहीं लगते उनको मैंशन नहीं करें क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है आप सब डाल दो और उसके कोई सिग्निफिकेंट कोई रेलिवेंसी ना हो सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो है जैसे कि हमने बात की रिसर्च रिपोर्ट की तो इट शुड बी ब्रीफ रिसर्च रिपोर्ट की समरी की वो ब्रीफ होनी चाहिए सिंपल सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए उसमें ओ, क्लियर में होना चाहिए कि हमने रिसर्च में क्या क्या कंक्लूड किया और रिसर्च रिपोर्ट में फुल आता है एक समी से लेके उसके मैथोलॉजी उसकी फाइंडिंग्स उसके कंक्लूजन उसके रेफरेंसेस जो जो उसने यूज़ किए हैं सो ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और बहुत ही जर्नल होनी चाहिए ऑब्वियस होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले जो भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़े उन्हें वो ईजिली समझ आ जाए थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग